और फिर से निकला है एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमारी थोड़ी सी ऐसी तैसी हो गई थी, एक्चुअली नहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। हमारी एलाइट्रा, सेकंड एलाइट्रा थी वो मेरी, वो भी चली गई, सारा सामान चला गया। अब मेरे पास ये लास्ट एलाइट्रा बची है, वो भी बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है अपनी सेकंड एलाइट्रा को ढूंढने के चक्कर में। तो सबसे पहले तो अपना आर्मर और बेसिक इक्विपमेंट्स ले लेते हैं ट्रेड करके विलेजर्स से। ओके, इस पे लगा देते हैं मेंडिंग। बी सेफ वाइल फ्लाइंग, ये बेस्ट है। ओके, मेरा वो कहाँ गया सिलाई वाला भाई? कपड़े चाहिए मेरे को। हेलो, मेरा सिलाई वाला गायब है यार, तू है? नहीं। ओके, मुझे नहीं पता मेरा सिलाई वाला कहाँ चला गया, सैडली। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फूड ले लेता हूँ जितना भी ये दे रहा है, तू भी दे दे भाई थोड़ा सा। आर्मर ना होना थोड़ा सा बुरा है सही बताऊँ तो। ओ, हमारी एलाइट्रा भी रिपेयर हो गई, वेरी नाइस। अब मैं इस पे अनब्रेकिंग लगा देता हूँ, डन। ओके, मेरे पास डिसेंट आर्मर है, आई गेस इसी को लेके जाना पड़ेगा मेरे को। सो मेरा प्लान है अभी एंड सिटी जाने का एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही एलाइट्रा बची है, और अगर ये एलाइट्रा भी खो गई तो मैं बिल्कुल भी घोड़े पे इधर उधर ट्रैवल नहीं करना चाहता। अभी बहुत ट्रैवलिंग करनी है कुछ एडवांसमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, तो मेरे को और एलाइट्रास चाहिए सेफ साइड रहने के लिए। और सिर्फ एलाइट्रास लेने नहीं जा रहा मैं, हमें एक ट्रिम भी चाहिए जो सिर्फ एंड सिटी में मिलेगा, क्योंकि हमें ये वाली एडवांसमेंट भी पूरी करनी है, तो जाना तो फिर भी पड़ेगा वहाँ पे। मेरे पास मेरी सिल्क टच की पिकैक्स भी है, मैं इसको भी साथ ले जाने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास एक प्लान है। मेरे को सारे के सारे रॉकेट्स चाहिए, पहले तो मैं एक्चुअली एक्स्ट्रा रॉकेट्स बनाने वाला हूँ। शुगर केन फार्म बहुत अच्छा चल रहा है हमारा। फार्म्स एक्चुअल में बहुत हेल्प करते हैं अगर तुम मर जाते हो ना, रिकवर होने में सारा सामान जल्दी मिल जाता है। वो विलेजर इतने बढ़िया थे मेरे दोनों टूल्स और आर्मर वाले। अब आर्मर वाला दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, आई थिंक हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। मैं स्लो फॉलिंग पोशन भी ले जाने वाला हूँ अपना, बिकॉज ये बहुत काम आएगा वहाँ पे। निकलते हैं, पहुँच गए हम। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये हमारी एंड चेस्ट है, मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को एंड चेस्ट ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एंड सिटी में जाके अपने आप को मारना पड़ेगा वापस आने के लिए, क्योंकि एंडर ड्रैगन को जिंदा कर रखा है मैंने एक एडवांसमेंट के लिए, और हम उसे मारे बिना वापस नहीं आ सकते नॉर्मली, और एंडर ड्रैगन से लड़ने का अभी कोई मूड नहीं है मेरा, तो हम इसे ब्रेक करते हैं। आई होप इसके लिए डायमंड ना चाहिए हो। थैंक यू। ओह शिट, मैं पर्ल्स लाना भूल गया, पर्ल्स के बिना कैसे काम चलेगा? आई मीन एंडमैन को मार सकते हैं हम, पर यार उनका ऐसा ही है, बावले से हैं वो, डरने से क्या होगा, चलते हैं। एक एंडमैन को मार देते हैं, इट्स ओके, इतना कर सकते हैं हम। I'm out, man. तो क्या हो रहा है भाई, मरते कितनी देर में है ये? 5 शॉट ले गया बताओ, दिया भी नहीं और कुछ। वो वहां पे है, वो वहां पे क्या कर रहा है? वहां पे तो नहीं था वो पहले, ये बदल गया क्या? या वहां पे है ना हमारा दो, मैं तो वहां जाना है। कम ऑन, यस। ओ, ये तो ऐसे ही कर दिया मैंने, नाइस। एंड पेल की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये पोशन को एक्चुअली मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि पंगा ना हो, एंड चलते हैं इधर को। एलाइट्रा के साथ एंड सिटी घूमने का क्या मजा है वैसे, बहुत इजी सा लगता है। ओके ओके, मुझे नाव दिख रही है, वेरी नाइस। ये पी लेते हैं, वैसे मेरे को पीने की जरूरत नहीं थी अभी, बट यू नो वॉट, रिस्क नहीं लेना, पहला वो है हमारा ये। ओ कितना स्लो हो गया मैं, इट्स ओके। ओ ये ना लगा दे बस जल्दी, शिट, ये नहीं चाहिए था मेरे को, मैंने गलती करी यार ये लगा के। ओके नाइस, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, बढ़िया। ये नहीं उतार ही दूँ, बहुत स्लो हो गया हूँ मैं आज भाई, मैं अभी भी उड़ रहा हूँ, तू मर पहले। ये स्ट्रांग हो गए हैं क्या? ओ या, मैं हार्ड मोड पे खेल रहा हूँ क्योंकि दैट्स व्हाई, हमेशा से। ओके, इसमें बकवास बकवास, जरूरत नहीं है मेरे को इन चीज़ों की। बट अब हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे अपना एंड चेस्ट रखने वाला हूँ, एंड देन इसमें मैं ये अलाइट्रा रख दूंगा, ये जितने हमें ये मिले हैं वो भी इसी में ही, दैट्स इट। अब हमारे पास एक अलाइट्रा एटलीस्ट सेफ है, हमें कुछ भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्चुअली ये अलाइट्रा भी इसी में रख देता हूँ, एंड अब मैं जाने वाला हूँ लूटने। यार मैं बताऊँ, अलाइट्रा के साथ लूटना वैसे ज्यादा आसान होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को सिर्फ लूटना ही तो है, इट्स ओके। इतना रिस्क चलता है, सीधा ऊपर जाते हैं ना, बहुत ईजी पड़ेगा। चेस्ट होती कहाँ पे? इधर नहीं, इधर तो नहीं होती आई थिंक।
उधर में भी मेरे पास एलाइट्रा है, मेरे को स्लो फॉलिंग की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो, बट यू नो व्हाट, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे तो है ही नहीं चेस्ट यार, व्हाट। यस यहाँ पे है। ओके सेव करो अपने आप को पहले। इट्स ओके नहीं एक्चुअली इट्स नॉट ओके, मैं मर रहा हूँ भाई साहब। डैमेज चेस्ट में देखो क्या है, लूट लो जो भी है। वो नहीं मिला जो मेरे को चाहिए था। इट्स ओके हम निकल रहे हैं यहाँ से। ओ एंडरमैन यहाँ क्या कर रहा है, चलो ये भी डाल देते हैं। जो भी हमें सामान मिला है अभी मैं ये कोऑर्डिनेट्स जो है इनकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, एंड देन और एलाइट्रास लेने जाने वाला हूँ मैं, और फिर सारी एलाइट्रास लेके यहीं पे आ जाऊँगा और इसी में डाल दूंगा इसे। ये बेस्ट है जो चीज़ हम कर सकते हैं अभी। एलाइट्रा के साथ एंड सिटी लूटना काफ़ी ईजी है, इन बंदरों से पंगे नहीं लेने होते तुम्हें एटलीस्ट, पर ये डैमेज बहुत करते हैं, अगर तुम फंस गए ना तो गए फिर। ओके एक और नाव, नाइस। इस बार मैं स्लो फॉलिंग नहीं लगाऊंगा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट अंदर घुस जाएंगे, और मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। नाइस एंड दैट्स इट। एलाइट्रा लेना तो बहुत ईजी है अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एलाइट्रा है तो, मुझे बस वो ट्रिम मिल जाए, मेरे को लूट की भी ज़रूरत नहीं है, मैं लूट के लिए नहीं कर रहा ये सब, मेरे को सिर्फ ट्रिम चाहिए। वो पता नहीं कितना रेयर होगा। ये है ना, यहाँ ज़रूर मिलेगा वो ट्रिम भाई, ये बहुत बड़ी जगह है। ओके पहले तो लैंड अच्छा करो, दैट्स इट, अंदर घुसो। ओ एंडरमैन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो दो हैं। मैं एक्चुअली ऐसे जा रहा हूँ, मेरे को मत देखो। इट्स ओके सेफ है हम, एलाइट्रा उतारो। एक्चुअली मैं ना यहीं से जंप मारने वाला हूँ, और मैंने ये पहन लेता हूँ। ओ फेदर फॉलिंग डेफिनेटली दो यार, यहाँ से जंप मार के सीधा ऊपर चलते हैं। ओ मरा, ये यहाँ कैसे आ गया भाई, ये कर सकते हैं ये। मर जाना, मैं निकल रहा हूँ। मुझे चेस्ट दिख ही नहीं रही है, शीशों में से भी नहीं दिख रही। यस इसमें चेस्ट है। ओके इस वाले में चेस्ट है, मैं नीचे जा रहा हूँ। यप ये रही। ओके तैयार हो जाओ ये लगाने के लिए, दैट्स इट सेफ। बड़ाक करते रहो तुम, अबे यार कम ऑन क्या घटिया चीजें हैं ये। ओके मेरे को देखना पड़ेगा मिलता कहाँ है ये रिम। ये चाहिए हमें स्पायर ट्रिम। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये लगा चुका हूँ, मैं बेकार में लाइक कर रहा हूँ ये। ओके जो भी है निकलो यहाँ से। ओ यहाँ पे एंड चेस्ट है, लेट्स गो। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, एंड चेस्ट है यहाँ पे, मैंने देखा अभी। कम ऑन कहाँ पे, यस यहाँ पे है। ओ भाई मार रहे तो, फक ऑफ। बच गया। ओके इजी, पहले इनको मारना पड़ेगा मुझे, ये बड़ा अनोइंग लोग। ओके अरे फक ऑफ यार, कितने अनोइंग एनिमीज हैं ये लोग। मैं अंदर जाके ना फंसना नहीं चाहता, कहीं फंस जाऊं मैं वहाँ। एंड चेस्ट दो यार मेरे को सबसे। ओ गॉड मैं स्लो हो गया, कहाँ पे है मेरी एंड चेस्ट, दिखाओ ज़रा मुझे। मैं जाके सीधा पहले वो डाल रहा हूँ, आई डोंट केयर। ये डालो सब डाल दो, इसे फेंको, ये डालो। ओ मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके नाइस, ये लोग मुझे टाइम देना एडजस्ट होने का। फक यू, फालतू की चीज़ है इसमें भी। शिट रॉकेट भी मिल गए मुझे। ओके मैं अपनी जारी रख सकता हूँ सीन। ओके मैं निकल रहा हूँ। अब अगर मैं मर भी जाता हूँ तो हमारे पास नेट यू नो एलाइट्रा का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वो आर्मर मिल जाए ना फिर, चाहे मैंने वो यूज़ कर रखा हो या ना कर रखा हो, एटलीस्ट वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि हाँ चलो मिल गया हमें। भाई साहब कितनी बड़ी बिल्डिंग है वो। ओके सीधा जाते हैं। ओके यहाँ पे क्या है, नहीं घटिया। यस आई डोंट केयर निकलो यहाँ से। कम ऑन दैट्स इट, निकलो यहाँ से, अब कोई परवाह नहीं है मेरे को। अभी वहाँ पे किसी बिल्डिंग में एंड चेस्ट होगी पक्का, मुझे बस ये सामान डालना है अब वहाँ, दैट्स इट। शिट यार ग्लाइड करके देखना कितना मुश्किल है, कितनी फास्ट है ये। ओके इसमें होती है यूजुअली, इस बिल्डिंग में एंड चेस्ट। ओ गॉड यस वोरी। फक इट मैं जा रहा हूँ। इसे रखो, नहीं एक्चुअली बैड आइडिया। शिट फंस गया मैं।
मेरे को बाहर जाने दो। फक 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 मरा। नो फक यू। ओ मेरा आर्मर। फक मैंने आर्मर नहीं रखा, मैंने सिर्फ अलाइट्रा रखी अपनी। शिट यार, जिसके लिए गया था वही नहीं रखा मैंने। भर गई थी ना मेरी अलाइट्रा, मेरे को फकिंग सॉर्ट आउट करना था मेरे को यार। फक कितना डैमेज करते हैं वो लोग। अलाइट्रा थी ना मेरे पास। शिट यार, आई थिंक मैं वो पिंक आर्मर लगा चुका हूँ। इसमें ये दिखाता भी तो नहीं है कि मैं कौन सा आर्मर लगा चुका हूँ या नहीं। 2x8 कौन सा लगाया है मैंने? मैंने वो पिंक आर्मर देखा है, मैं लगा चुका हूँ, आई एम श्योर। ओ गॉड, मेरे पास 2 एलाइट्रा थी यार, एक मेरी पहनी हुई, एक मेरी रखी हुई। सारा मूड खराब हो गया। इवन तो मैंने कहा था कि मैं मर जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई कोशिश तो यही करनी थी कि मरना नहीं था। अबे यार, मैं बहुत धीरे लेके चल सकता था, मैंने अपनी इन्फिनिटी खो दी वहां पे। फक, हमारे पास काफी एलाइट्रा है तो आई गेस मेरे को पहले दूसरे लाइक ट्रिम्स ले आने चाहिए, एंड देन हम अगर हमें हमारे वो एडवांसमेंट कंप्लीट नहीं होती तो आई कैन जस्ट गो बैक। सही में वैसे मेरे को 3-4 अच्छी सॉर्ड मिली थी यार, वो भी मिल जाती ना, मेरे को एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिला ना। फक, वो इतने सारे थे अंदर भाई, बजा गिरा उन्होंने मेरे अंदर। ओके, इसमें एक ट्रिम है वे फाइंडर, जो कि हमें सस्पिशियस ब्लॉक से ही मिलेगी, तो हमें ब्रश फिर भी बनाना पड़ेगा दोबारा। बनाना क्या, पड़ा हुआ है मेरे पास, हमें सस्पिशियस ब्लॉक ढूंढने पड़ेंगे, वो भी ट्रेल रूम वाले, रून वाले। नेदर फोर्ट्रेस वाली ट्रिम नहीं मिली होगी मेरे को, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया नेदर फोर्ट्रेस में गए, तो मुझे आई गेस नेदर फोर्ट्रेस में जाना चाहिए एंड ये वाली ट्रिम ढूंढ के लानी चाहिए। सो मुझे एक गोल्डन हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी एंड मुझे ज़रूरत पड़ेगी फायर पोशंस की, क्योंकि मैं इनके बिना तो डेफिनेटली नेदर में नहीं जाने वाला। ओके, चलते हैं, ज़रा ये ले लेते हैं एंड ढूंढते हैं कोई नेदर फोर्ट्रेस, होपफुली हमें जल्दी मिल जाए और मेरे को लावा में डुबकियां ना मारनी पड़े। ओके, हियर वी गो। क्योंकि मेरे पास अब सारी फैसिलिटीज़ है ना, तो इसीलिए मेरे को इतना डर नहीं लग रहा। ऊपर से हमने लावा पोशन पिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैं ऑनेस्टली नेदर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी ही मेरे को मिल जाए नेदर फोर्ट्रेस कोई तो बढ़िया होगा। ऑलमोस्ट मर गया था भाई। ओह शिट, ओह शिट, सांस लेने दो मुझे। अबे ब्रो क्या जगह है ये, फक दिस प्लेस यार, नेदर तो बहुत ही बेकार लगा है मुझे सही में। ऊपर उड़ने की जगह ही नहीं है, पता नहीं कहाँ आ गया मैं अंडरग्राउंड केव में। एक नेदर फोर्ट्रेस इतनी रेयर हो गई भाई, मिली नहीं रही एक भी। ओके, एक और देखिए भाई, फाइनली प्लीज इसी में हो जो मेरे को चाहिए। ओह शिट शिट, बहुत ही घटिया लैंडिंग थी वो। व्हाट, ये पी लो। डेड एंड्स, फक यू यार। भाई कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है ये, इतना घूम लो और एंड में जाके डेड एंड मिलता है, बस कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या यार, घटिया जगह एकदम। मुझे तो एक ढिल्ले का ही लगता मुझे नेदर भैंस की। एक ढंग की जगह नहीं है, फोर्ट्रेस नाम दे देंगे, 2 चेस्ट मिली है कुल मिला के, कहां जाऊं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं दुनिया भर के भैंस के। यार बताओ, गोल्ड लूटने नेदर फोर्ट्रेस कौन आता है, लाइक थोड़ी ढंग की लूट तो हो यहाँ पे। अबे यार, ऑब्सीडियन अंडे दूं मैं ऑब्सीडियन पे? ऑब्सीडियन तो ओवरवर्ल्ड में ही मिल जाता है। इन्हें लूट सुधारनी चाहिए सही में, कहीं भी किसी भी जगह, एंड सिटी के अलावा कहीं भी और डिसेंट लूट नहीं मिलती कोई। हाँ, मुझे नहीं लगा था नेदर वाला यार इतना अनोइंग होगा एंड सिटी से भी। मैं इसकी तो नेदर फोर्ट्रेस ही ना मिलके दे रही। फक भाई साहब, ऐसा लग रहा है मैं ट्रैप हो रखा हूँ यार कहीं माउंटेन्स के बीच में, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ओके, एक और नेदर फोर्ट्रेस, आई एम प्रिटी श्योर मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि मेरे साथ, मैं गोली घूमने लग रहा हूँ। अबे यार, ये ऑब्सिडियन धर के चाटूं क्या मैं भैंस की? एक ढंग की चीज मिलेगी मेरे को? कम ऑन, एक में भी कुछ नहीं मिल रहा भाई, इतना रेयर है क्या ये? ओ ये डेड एंड है, बहुत बढ़िया। यस, ओ गॉड भाई मर गए बिल्कुल। मैं निकल रहा हूं यहां से, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि। ओ फक यार, ये भैंस की। ओके ओके, मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा सा, मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, बहुत मुश्किल से मिला है।
और मुझे रास्ते नहीं मिल रहे भाई, ये कैसे रास्ते हैं यहाँ के ब्रो? मेरे को बिल्कुल ओपोजिट साइड जाना है, ऐसा लग रहा है ये नेदर मेरे को जानबूझ के जाने नहीं दे रहा भाई। इधर जाना है मुझे, ले सारे में बंद पड़ा है, मैं उल्टा जा रहा हूँ अभी भी। भाई रास्ते ही ना मिल रहे, पैस की बिल्कुल ऐसा लग रहा है माउंटेन सा खड़ा हुआ है मेरे लेफ्ट साइड। कहाँ जाऊँ मैं एक्चुअल में जेन्युइनली भाई? ओ फक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कैसे पहाड़ आ गए सामने मेरे, मैं जाने दो मुझे कुत्तों के बच्चों। ओके आई थिंक मेरे को समहाउ रास्ता मिल गया, सही जा रहे हैं हम। ओ शिट कहाँ गया मैं? ये भाई ऐसे माउंटेन्स में फंसा लेती है ये गेम मेरे को, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग चीज है ये। ये मेरा बना हुआ ड्रामा है। ओ गॉड यस, ये रहा मेरा ब्रिज, आई लव यू मेरी जान। वी आर डन, निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। फक दिस प्लेस, फक द नेदर। नेदर गया पहाड़ में, सबसे गंदा लगता है मुझे। फक यू ब्रो, इतना अच्छा लग रहा है वापस आके सक्सेसफुली, सही में खुश हो गया मैं। स्मिथिंग टेबल कहाँ पे है? ओके इसको अपग्रेड करो जरा, इसी पे लगा दें क्या, दिक्कत क्या है? कॉपर एंड देन ये बम। ओके हो जाना चाहिए। मैं नहीं जाना चाहता नेदर में दोबारा बिल्कुल मन नहीं है मेरा। तो अब हमारा प्लान ये है कि हम लोग जाने वाले हैं एंशियंट सिटी, क्योंकि वहाँ पे भी एक स्मिथिंग टेम्पलेट है जो मेरे को चाहिए। मैं सबसे पहले कोशिश कर रहा हूँ मैं सारे मुश्किल टास्क कर दूँ, जैसे दूर दूर जाके रेयर जगहों पे चीज़ें मिलने वाली हैं जो, क्योंकि आसपास नॉर्मल टास्क कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूर वाले टास्क जो हैं वो ज़्यादा परेशानी देंगे। ये रहा मेरा, मेरी निशानी इतने बड़े फॉरेस्ट में भी क्लीन दिख रही है एकदम भाई। मैं बेड नहीं लाया बट आई होप वहाँ पे बेड हो मेरा पुराने वाला। मैं इस एंशियंट सिटी में ऑलरेडी आ चुका हूँ तो क्या पता वो जो ट्रिम है वो स्पॉन ही ना हो यहाँ पे, क्योंकि वो नई चीज़ है और मैं पहले आ चुका हूँ जब वार्डन आया था यहाँ पे, हो सकता है ऐसा। बहुत टाइम लग गया भाई आने में नीचे। फाइनली बेड है यहाँ पे लकीली। एक्चुअली मैं इसे तोड़ने वाला हूँ एंड हमें काम और करते हैं। क्राफ्टिंग टेबल, मैं बनाने वाला हूँ एक चेस्ट और हम लोग इसे भी उठा लेते हैं। और मैं ऐसा करने वाला हूँ मैं ना नीचे ही जाने, दो दो तीन तीन क्राफ्टिंग टेबल है। ध्यान नाल, यहाँ पे वैसे भी वो उगेगा नहीं क्योंकि उसका स्पॉनर लाइक है नहीं यहाँ पे। सो क्योंकि एंशियंट सिटी वहाँ पे है, यहाँ पे वार्डन वगैरह आ सकता है, तो मैं यहाँ पे अपना वो बना लेता हूँ। चेस्ट को यहीं पे रख देते हैं, इसमें हम रखेंगे अपना इम्पोर्टेंट मामला पानी जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। एंड ये होगा हमारा रिस्पॉन पॉइंट। भाई मेरे को टॉर्च भी लानी चाहिए थी एक दो, वैसे मुझे एलाइट्रा लेके नहीं जाना चाहिए, वो हमारे लिए बेटर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम साइलेंटली आराम से उड़ पाएंगे कहीं भी। ये पहली बार है जब मैं लाइक एंशियंट सिटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओह शिट, आ गया हमारा चाचा। ये हैं उसके स्पॉनर्स, यहाँ पे स्पॉन हो सकता है वो। मुझे नाइट विजन पोशन लाने चाहिए थे यार, गड़बड़ कर दी मैंने। एक भी चेस्ट दिख नहीं रही है वैसे मेरे को, लाइक कहाँ पे है ये चेस्ट? ओह ये रही। मुझे बस टेम्पलेट चाहिए सर, सॉरी। अबे सूरज दिख रहा है, ये तो ओपन में है बहुत। आई थिंक वो वापस नीचे नहीं वो रहा वो दिख रहा है। एक और चेस्ट। अगर मैं शोर ना बचाऊं तो वो लिटरली कुछ नहीं करेगा मेरे को। दो दो वार्डन है यार, तो इसका मतलब जितने स्पॉनर्स हैं उतने ज़्यादा वार्डन जो है उगेंगे। क्या किया जाए, मेरे पास वो है ही नहीं एरो वो वगैरह। वो क्यों शिट नो। ओके उसे कैसे पता चला मुझे ये समझ नहीं आया बस। आई मीन थोड़े टाइम बाद वो वापस अंदर चले जाते हैं। ओ मेरा सामान ये रहा या वो अंदर जा रहा है ना, आई होप आई थिंक। आई मीन मेरे को रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्राउच वॉकिंग करके सब कुछ लूट सकता हूँ आराम से। मुझे चेस्ट दिख रही है, धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एको शार्ड, इससे हम वो बना सकते हैं डेथ वाला। इट्स ओके, चेस्ट दिख रही है मेरे को। स्पॉनर्स कितने सारे हैं यहाँ पे, तो उगा ही उगा है वो 100%। ये स्पॉनर ही तो है उसका, कितने सारे हैं तोड़ भी नहीं सकते हम। ओके मैं हर चेस्ट को खोलने से पहले कोऑर्डिनेट्स देख लूँगा ताकि मुझे पता हो सामान लेने आना कहाँ है, मुझे मर जाता हूँ तो।
गड़बड़। नो बागो, सॉरी, दिख नहीं रहा। शिट, मरा। ओके, फ्लाई करते हैं। ओके, ये अच्छा है। ओके, सेफ। मैं काम करता हूँ, ये चीज़ें रख आता हूँ। इतने कुछ एपिक लूट तो नहीं है, पर मेरे को लूट से मतलब भी नहीं है ऑनेस्टली। मेरे को तो सिर्फ वो चाहिए, और अगर क्योंकि मैं क्राउच ही कर रहा हूँ तो आई गेस एलाइट्रा उतार देनी चाहिए। एंशिएंट सिटी को लूटना वैसे मेरे को तभी करना चाहिए था जब वार्डन आया था, और मज़ा आता। इसे तोड़ दूँ? बहुत सारे हैं, पर यहाँ चक्कर तो वही है। इन्हें तोड़ के आई थिंक कोई आवाज़ नहीं होती, या कैच नहीं करी इन्होंने, बस देखूं। आवाज़ होती है। बहुत सारे हैं यहाँ पे, सबको तोड़ना मुश्किल है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो पीछे है वो, जगा देगा उसे। जल्दी देखो क्या है, ले लो सब, भागो, निकलो यहाँ से। थोड़ा सा दूर भाग के एंड देन शिफ्ट वॉक करने लग जाओ, दैट्स इट। यहाँ पे देखो, 1 2 3 और इसके व्हाट, कैसे, ले लो सब, ले लो, भागो। ओ गॉड, मरा, इस बार तो मरा ही मरा मैं। देयर इज नो वे मैं सरवाइव कर रहा हूँ ये। ओके, ओ ये तो आ गया यहाँ पे, नहीं जा रहा है। ओके, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था। ओ, उसे पता है मैं कहाँ हूँ। शिट, मरा, मरे। मेरा आधा सामान जल गया। नहीं, शिट, इसके सेंस करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। कभी कभार मैं बिल्कुल छुपा हुआ होता हूँ, फिर भी वो मेरे को सेंस कर लेता है। मेरी एलाइट्रा ना जली हो बस, बाकी तो सब सेफ है। ओह कम ऑन, एलाइट्रा ही जल गई, बाकी सब बच गया। वेट, नहीं, एलाइट्रा तो मेरी वहां पे है। हाँ, मैंने तो एलाइट्रा पहनी नहीं। सही है, स्मार्ट हूँ मैं, पता तो मुझे ऐसा कुछ होगा। ऑलराइट, सैडली हमें हमारा टेम्पलेट तो नहीं मिला, बट हमें बहुत ही बढ़िया चीज़ें मिल गई वहाँ से, लूट मिली काफ़ी। वही ठीक है भाई, कुछ खुशी मना लो थोड़ी देर के लिए। पर मुझे एक एंशिएंट सिटी और ढूंढनी पड़ेगी आर्मर ढूंढने के लिए। एटलीस्ट हमें नेदर फोर्ट्रेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और आई थिंक एंड सिटी पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू नो एंड सिटी काफ़ी ईजी है लूटना। तो अगर वो आर्मर एक्चुअल में मैंने यूज़ नहीं किया होगा तो हम दोबारा जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी एलाइट्राज हैं हमारे पास। एडवांसमेंट तो हमारी सारी हो चुकी है, बस ये 2-3 ही हैं जो बहुत टाइम लगाएंगी। अभी तो टेम भी करनी, चलो कैट्स को तो टेम करना थोड़ा ईजी है, बट ये फ्रॉग लाइट और ये ड्रामा भाई। ओके, आज हम लोग फ्लाई करने वाले हैं। आज हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर पे, एनिमल्स को ब्रीड करने। होपफुली फ्रॉग्स मिल जाएं हमें, क्योंकि वो भी चाहिए हमें एक एडवांसमेंट के लिए। हम बनीज को भी लाइक वो कर सकते हैं ब्रीड, लेकिन उनके लिए मेरे को 2 बनीज चाहिए, और वो भागते रहते हैं मोस्टली। ओके, अगर मेरे हाथ में कैरेट रहती है तो वो आएंगे। हाँ, तू रैबिट है, तू यहाँ कैसे फंसा हुआ है, कूद के आ जा ना ऊपर, इसकी हेल्प कर देता हूँ मैं। यस, आ जा भाई, तू भी आ जा, रात होने से पहले आ जाओ यार। ये नाइस, मेरी आज की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो मशरूम काउस ढूंढना। अगर मेरे को वो आइलैंड मिल जाता है तो एक बहुत बड़ी सरदर्दी मन से हट जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में निकल लेते हैं, बस मैं मुड़ूंगा नहीं इधर उधर, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने वाले हैं हम। होपफुली मिल जाए हमें, मेरे को मिला हुआ है वो आइलैंड पहले, लेकिन मेरे को नहीं पता था मेरे को ब्रीड कराना होगा उन्हें फ्यूचर में कभी, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। और वो आइलैंड काफी स्पेशल है क्योंकि वहां पे कोई मॉब स्पॉन नहीं होता। कमाल की बात ये है, जादुई आइलैंड है वो। 9x11, यस। ओके, तो ये इसका मतलब एक डिफरेंट वेरिएंट था। ऑलराइट, मेरे को 2 कैट्स और चाहिए बस। कुछ कैट्स सिमिलर लगती हैं, तो लगता ही नहीं वो डिफरेंट वेरिएंट है या नहीं। वो वाला वेरिएंट नहीं है मेरे पास पक्का, या आई डोंट थिंक मैंने देखा है। वो ऑसिलॉट जैसा लग रहा है वो मेरे घर पे भी नहीं है, ना मैंने कभी टेम किया आई थिंक। कितनी, ओके नाइस, देखें, यस, मुझे पता था, मैंने देखा ही नहीं ये वाला कभी, तो बड़ा सही कलर है। तो मैं इन बिल्लियों को क्यूट टेम कर के छोड़ जा रहा हूँ। क्या करें भाई, अभी टेलीपोर्ट होके मेरे घर पहुँच जाए तो बात अलग है, इन्हें लेके कैसे जाऊँगा मैं। हम हवाओं में उड़ रहे हैं, वो भी देखो पानी में आ गई। और फिश चाहिए तेरे को? अब मेरी एक कैट रह गई, वो भी मेरे को पता है मेरे को कहाँ मिलेगी।
मेरे को विच की कैट को टेम करना होगा, क्योंकि मैंने वो ब्लैक कैट वहीं पे ही विच की घर पे ही होती है, और वही कैट मेरे पास आज तक नहीं आई। ये जंगल है ना, यहाँ पे बेरीज हैं, अगर मेरे को फॉक्सेस मिल जाए तो मैं उनको भी टेम कर सकता हूँ। दो फॉक्सेस एक साथ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ओ मैं कितना लकी हूँ यार आज, क्या चक्कर है, बस भागे ना वो। कितने क्यूट लग रहे हैं। यस डन, कर दिया हमने। कितना इजी था ये, फॉक्सेस भागती रहती हैं वरना। ओ, मुझे तो लगा था ऑसिलॉट का भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, वो भी बहुत इजीली हो गया, एंड फॉक्सेस का तो और भी इजीली हो गया। पोलर बियर्स कैन बी ब्रेड बाय फीडिंग टू अडल्ट सैल्मन, मेरे पास है भाई, एक्चुअल में लक है आज, क्योंकि मैं स्नो बायोम में आ गया तो मैं पोलर बियर्स को भी वो कर सकता हूँ, एंड दोनों दिख रहे हैं मुझे, इजी। चक्कर ये है कि ये मारेंगे तो नहीं, आई एम प्रिटी श्योर मैं इनको लीश पे लाइक लगा सकता हूँ, राइट? आ भाई मेरे साथ जरा, नाइस। ओह शिट, ओके गुस्सा हो गए वो लोग, पता नहीं क्यों, मैंने तो कुछ करा भी नहीं अभी भाई। ओके मैं जल्दी से जाके, बस जल्दी जल्दी, व्हाट खा क्यों नहीं रहे हैं वो लोग, डोंकीज हैं वो। ओके मेरे को डोंकीज को भी लाइक ब्रीड करना है, अच्छी बात है, पर कितनी खाओगे तुम? What? भाई कितनी खाते हो तुम, पागल हो, मेरे पास फूड भी नहीं बचेगा भाई। सैडल चाहिए क्या मेरे को इनके लिए भी? ओके 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 ओके, इस पे दिल आया, इस पे भी, कम ऑन, दिल क्यों नहीं आया तेरे पे? ये बैठने दे रहा है, विच मीन्स अभी होना चाहिए, यस। मैंने अपनी सारी कैरेट्स वेस्ट कर दी, पर यू नो अपना काम हो गया, गुड बाय। यस पांडा, पांडा औरों को भी तो मेरे को वो करना है, इनका साथ तो यहीं मिल गया, लो भाई एंजॉय, थैंक यू। ओके मैं घर आ गया, बिकॉज मेरी एलाइट्रा टूटने वाली है, बिल्कुल डेड हो गई है, अभी मैं दो एलाइट्रास लेके जाने वाला हूँ, बिकॉज वन इज नॉट इनफ। मेरे पास टोटम लाइक बैड ओमन इफेक्ट था, मेरे पास इन्फिनिटी भी नहीं है, मैं मारूंगा कैसे इन्हें? रेड चली क्यों गई, व्हाट आए नहीं वो, मन नहीं कर रहा उनका आने का, आई मीन श्योर अच्छा है मेरे को लड़ने, आ रही है वो, मन बना लो भाई, चले गए, व्हाट आई डोंट नो क्या हुआ, रेड बग हो रही है आई थिंक, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। कि चक्कर क्या है, इससे पहले कि रेड शुरू हो निकलो यहाँ से, मैं चला। अबैंडन कर ये रे पिलेजर्स, निकल रहा हूँ भाई मैं, सॉरी। मेरे सारे विलेजर डेड ना मिले, कहीं मेरे को सारी मेहनत दोबारा करनी पड़े। ये देखो जरा, शिप माउंटेन के अंदर फंसी हुई है भाई, ये रेयर साइट तो मिल रही है पर वो रेयर आइलैंड नहीं मिल रहा भाई, मैंने देखा हुआ है वो, मैं 12,000 ब्लॉक दूर हूँ अपने घर से, और मैंने वो 10,000 के अंदर अंदर देखा है पक्का, क्योंकि मैं 10,000 से पहली बार बाहर आया हूँ, पर वो किस डायरेक्शन में है ये नहीं पता। यहाँ पे ये रैंडम जगह पे एक मशरूम क्यों है भाई, यही है, प्लीज टेल मी यही है, मिल गया क्या मुझे, मशरूम्स तो हैं, यस मिल गया भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना टाइम लग गया इसे ढूंढने में, एंड मुझे पता है, मुझे लगता है मेरे को लाइक इसे ढूंढने की ट्रिक पता चल गई, ये ना हमेशा ऐसी बायोम के आसपास ही है, लाइक वो जो एक छोटा सा आइलैंड मिला था ना, मुझे लगता है वो यही था, बस ये बड़ा चंक मिला है मेरे को इस बार, थैंक गॉड यार, और हम रात को खड़े हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मॉब स्पॉन नहीं होते, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आओ भाई, तुम्हारी ब्रीड करने के लिए पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी है मुझे, खुश रहो तुम भी क्या याद करोगे, मुझे भी खुश कर दिया इन्होंने, 20x24, यस। यहाँ पे और कुछ करने के लिए तो है नहीं, इवन तो इतना टाइम लग गया, हम नीचे जाके लाइक एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मुझे लगता मुझे ज़रूरत है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से ढूंढा मैंने इस वाले को, इस बार मैंने रेंडर डिस्टेंस पूरा कर दिया और ओशियन में घूमता रहा। चलो यार, पोलर बियर का समझ भी नहीं आया उनको कैसे करना है, पोलर बियर्स को हम वो नहीं कर सकते, रॉ फिश खाते हैं और वो, वाह, कई लोग कह रहे हैं कर सकते हैं, कई लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते। गोट दिख रही है मुझे, ये वही वाली है, मेरा क्राफ्टिंग टेबल भी है यहाँ पे। तो मेरे को गोट को भी ब्रीड करना है, लेकिन मेरे को एक और गोट चाहिए होगी, ये रही, नाइस। ओके तो मैं इसे वहाँ तक लेके जा सकता हूँ आराम से,
मुझे नहीं पता ये स्नो फॉक्स काउंट होती है या नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो वेल माउंटेन पास में ही है। ले भाई तेरा पार्टनर ले आया, मैं बाद में थैंक यू बोल दियो मेरे को। अबे इसका हॉर्न नहीं है एक, लो भाई ऐश करो, तू भी क्या याद करेगा। ये ले तीन एनिमल और, एक उसमें से स्निफर है जो लाइक रूइंस में सस्पिशियस ब्लॉक में उसका एग मिलेगा, वो भी दो ढूंढने पड़ेंगे मुझे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो। एंड दो और रह गए, पता नहीं कौन, मे बी लामा। वो उसने मारा मेरे को, क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा उसका। मैं एक हॉर्स को और डोंकी को, दोनों को टेम कर सकता हूँ, वो लाइक ब्रीड कर सकता हूँ, म्यूल पैदा होगा उससे। आई थिंक आई एम डेफिनेटली श्योर मैंने म्यूल पैदा नहीं किया अभी तक। आई एम प्रिटी श्योर मैंने यहाँ पे एक डोंकी देखा था, उसका और रुद्र का बच्चा होगा भाई। देखा इन लामास को ट्रेड किया था मैंने, इनका बेबी भी है। आई गेस मेरे को नॉर्मल लामा को भी ट्रेड ब्रीड करना होगा, मे बी डोंकी एरा। नाइस ओके, पहले मुझे इस डोंकी को पटाना पड़ेगा पर शायद। ब्रो इसके नखरे देखो, दो स्टैक खा गया है गोल्डन कैरेट के। स्कैम हो गया यार मेरे साथ, मान ही नहीं रहा है भाई ये, दो स्टैक खा गया अब सही में। कम ऑन, मेरे पास एक गोल्डन एप्पल है बस, अब बैठने दे रहा है ये मेरे को। चलो गोल्डन एप्पल खिलाऊंगा उसे, रुद्र को खिला चुका हूँ मैं, शायद ट्रिगर हो जाए। ये ले भाई तू ये खा, नहीं हुआ ओके। डोंकी के भी चोचले अलग है भाई, कमाल है। ओके अभी वर्क करना चाहिए। लो भाई तुम्हारे लिए ट्रीट ले आया मैं। ओके कुछ नहीं, यस यस ये हुआ होगा जरूर। या दो एनिमल्स रह गए बस अब। ये कैसा फ्लावर है वो, व्हाट ब्लैक फ्लावर है वो जो वो विदर वाला इफेक्ट दे देता है। वाह